Assalamu alaikum, grade 7. I hope all of you are fine and doing well. Okay, students, so today we are going to start your writing class. Students, today you have to write a letter. In your today's writing class, you have to write a letter. Okay, students, so first of all, I will discuss with you that what is your topic of today's letter. So your topic is write a letter to your father asking him about the health of your mother. आपने अपने फादर को लेटर लिखना है और अपनी मदर के बारे में के हेल्थ के बारे में उनसे पूछना है. सपोज यू आर इन हॉस्टल, आप हॉस्टल में हैं और आपको एक जो लेटर जो है वो पहले रिसीव हुआ था जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी मदर की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए आप वरीड हैं और आप अपने फादर को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप उनकी जो हेल्थ है, मदर की हेल्थ है, उसके बारे में पूछ रहे हैं. Okay, students, so as you know that you are going to write a letter to your father, so as you know this letter will be a informal letter. और आपने इसका format जो है, letter format क्या है, first of all you have to write examination hall on the left side and after that you have to put a comma and उसके बाद क्या लिखना है, CTA.B.C. ABC जो है वो आप कैपिटल फॉर्म में होनी चाहिए. आफ्टर दैट यू विल राइट डेट, फॉर एग्जांपल July 25, आफ्टर दैट कोमा एंड 2020. आफ्टर दैट यू विल राइट डियर फादर, आप डियर फादर लिखेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ्स राइटिंग करेंगे जिसमें आप उनसे ग्रीटिंग करेंगे, अपने मदर की हेल्थ के बारे में पूछेंगे. एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द लेटर यू विल राइट फॉर एग्जांपल योर लविंग सन, डॉटर, वट एवर यू वांट टू राइट. एंड आफ्टर दैट XYZ मीन्स यू विल नॉट मैंशन योर नेम. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट वट यू हैव टू राइट इन योर पैराग्राफ्स. Okay, students, so you are writing to a letter to your father. First of all, you will greet. Aap greeting likhenge. Means ke, for example, Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. And I am also fine with the, with the grace of Allah Almighty. Aap ye likhenge. After that, you will ask about your mother. Aap apni mother ke baare mein likhenge ke, for example, I received a letter in which you told me about mother's health, that mother is not okay, she is not well. And after that you will tell to your father that you are worried. You will explain that I received a letter and after that I am so worried about the health of my mother. I'm so worried about the health of my mother. आप इसमें explain करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा worried हैं, ठीक है, आपको किस कदर टेंशन है कि आप उनके पास नहीं हैं. आप सर एक्सप्लेन करेंगे कि आप उनके पास नहीं हैं, आप उनकी टेक केयर नहीं कर सकते, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते. आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप अपने फादर को जो है वो कुछ, मतलब अपनी तरफ से जो है वो उनको बताएंगे कि जो मदर हैं उनको रेगुलर और टाइमली जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करें, उनकी टेक केयर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें. ये सब कुछ बता देने के बाद आप फिर अपनी मदर के लिए विशेस मीन्स लिखेंगे कि As you know that mother is very precious relation for us, ठीक है, आप अपनी मदर के लिए फिर कुछ विशेस लिखेंगे कि मे शी गेट वेल सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाएं और वो जल्दी से ठीक हो जाएं. फिर आप अपने फादर को ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ही मदर ठीक हो जाएंगी, प्लीज़ टेल टू हर दैट राइट अ लेटर टू मी इन विच शी विल Tell that she is okay now. ठीक है, आप ये explain करेंगे. So student, this letter is so easy. You can write it easily. आप इसको easily write कर सकते हैं. आप इसमें मतलब कुछ भी लिख सकते हैं as your wish. मैंने आप लोगों को लेटर फॉर्मेट भी बता दिया है, पैराग्राफ्स भी बता दिए कि पैराग्राफ में आप लोगों ने एक्चुअली लिखना क्या है. आई होप नाउ यू कैन राइट दिस लेटर ईजिली. ओके स्टूडेंट, टेक केयर योर सेल्फ.